हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीएनबी न्यूज़ चैनल। आज हम आए हैं पंचम स्टूडियो में, जहां हमारे साथ है दीपा नारायण झा। वो एक्चुअली यहां पे एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने आई हुई हैं। तो आइए हम बात करते हैं उनके साथ कि ये सॉन्ग किस चीज़ के ऊपर है या फिर किसके बारे में है। तो दीपा जी, हमें ये बताइए कि हमने सुना आप यहां पे एक रिकॉर्डिंग करने आई हैं, तो वो किस चीज़ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, सॉन्ग क्या है और क्या है, बताइए हमें। सबसे पहले तो आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार। सॉन्ग्स तो रिकॉर्ड होते हैं और होते रहते हैं। आज मैं यहाँ आई हूँ नेपाली गाना गाने के लिए। एक नेपाली एल्बम बन रहा है जिसका नाम है रहर, इसका मतलब है इच्छा। इच्छा मतलब तो हमारे भाई, छोटे भाई रिकॉर्ड कर, पांडे जी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका, और काशी पांडे जी उनका नाम है। वो एक तो एक्चुअली इज़ अ बिजनेस पर्सन, बट जब मैं उनको गाना सुनी, उन्होंने बोली कि दीदी मुझे इच्छा है गाने गाने की और आप सुने, तो मुझे सुने बहुत अच्छा लगा, अच्छा गाते हैं, तो वाई नॉट। अब ये ज़माना है, आपको यू कैन आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, वाई नॉट। तो हम लोगों ने यहाँ काफ़ी दो गाना रिकॉर्ड हो चुका है, अभी तीन चार और मेरे गाने हैं, फिर यहाँ के सिंगर, नेपाल के सिंगर सब मिक्स करके हम लोग कर रहे हैं। इवन द मॉडल्स विल बी टेकन फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल एज वेल। सो कोशिश करें बहुत अच्छा गाना करें। वैसे मैं नेपाली फिल्मों में बहुत ज़्यादा गाई, मैं भाषाओं में गाती हूँ ज़्यादा, तो 14-15 भाषा में गाती, तो नेपाली में मेरे बहुत ज़्यादा गाने हैं, 20-25 साल से गा रही हूँ आज। तो ये आजकल अभी यूट्यूब का ज़माना है और तो हम लोग इसी के लिए ये गाना कर रहे हैं, फुल एल्बम रहे रहर। मैम, हम आजकल देखते हैं बाकी सारे गाने काफ़ी सारे फेमस हो रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे पीपल आर वेरी कीन टू नो कि और कौन सी भाषाओं में कैसे गाने बन रहे हैं। जैसे कि देसपासी तो वो काफ़ी फेमस हुआ है, तो आपका गाना जो है, जो नेपाली है, मतलब नेपाली सॉन्ग है एक, तो वो आपको कैसी उम्मीद है उस पर, क्योंकि आजकल देखा जाए बहुत फेमस हो रहे हैं अलग 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 कास्ट के जो गाने, उनके जो गाने हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, नेपाल का कलर ही एक कुछ और है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो बजते हैं उसको बोलते हैं मादल, और अलग किस्म के रिदम मिक जो होता है ना, वो रिदम अलग किस्म का होता है, तो नया चीज़ है, तो मुझे लगता है सबको पसंद आएगा। और ऑलरेडी मैं गाती हूँ नेपाली में, और नेपाली लोग सारे वर्ल्ड में बैठे हैं, तो उनके लिए एक मेरे लिए मेरी तरफ से सौगात है कि नया गाना सुन लीजिएगा और इन्जॉय करिए। ओके मैम, तो आपने अभी अभी बोला कि ये सेकंड सॉन्ग है आपका, तो इस सेकंड सॉन्ग के बारे में या फिर इसकी दो लाइनें हमें सुना दीजिए। तिम्रे ताल मा नाची दिन्छु उते जी झगाई दो चक्का पंजना गर्नु चोखो माया लाई दो। एक्साइटेड इसलिए ज्यादा हूँ, उदी जी का भी नाम है यहाँ पे, और एक हमारी बहुत नेपाल की टॉप हीरोइन वो भी आके बैठी हैं, उनका नाम है निरुता। इसमें जिक्र गया है, क्या गया है, बहुत नेपाल की बहुत ही टॉप हीरोइन है, सुपरस्टार एक्चुअली है, तो शी केम आल्सो टू मीट मी, हाउ आर यू डार्लिंग। हाँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखिए क्या होता है, पसंद आए लोगों को। हम तो हमेशा इंटरटेनमेंट की दुनिया में रहे हैं, गाना गा सकते हैं, और क्या बचपन से गाए, अभी भी गाए, गाते रहेंगे, है ना, तो उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आएगी। मैम, मैं तो फिलहाल अभी ये बता सकती हूँ, मुझे गाने के बोल जो वो तो थोड़े समझ में नहीं आए, लेकिन ट्यून बहुत ही अच्छी लगी और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगी, और समझ में भी आ रहा है कि ये थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग है। गाने के भी मैं बता दूँ आपको कि हमारे नेपाल में भी बहुत सुपरस्टार्स मतलब हैं काफ़ी सारे, तो सारे सुपरस्टार्स लेडीज़ का, लड़के लोग का, मतलब लीडिंग मैन का नाम मैं ले रही हूँ, और जो मेरे मेल को सिंगर काशी भाई, वो लीडिंग लेडीज़ का नाम ले रही है। जो ऐसे गाने बनते हैं ना, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, चलो गाना चाहिए और सबका नाम आना चाहिए। जो भूल भी जाते कभी कभी, तो ऐसे गानों से उनका फिर याद ताज़ा हो जाता है और अच्छा लगता है, और वो सुपरस्टार रह चुके हैं, तो सारे जितने भी सुपरस्टार रह चुके हैं नेपाल में, उनका नाम है इस गाने में, इस पर्टिकुलर गाने में। तो हम और मैं और काशी भाई मिलकर गा रहे हैं गाने, जो भी आई निरुता वो भी बहुत टॉप हीरोइन, उनका भी नाम है, तो मैंने बोला आइए सुनिए इस तरह के गाने। ओके, सो ये गाना काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। ऑल दी बेस्ट मैम फॉर दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच पीदी, थैंक यू। तो ये थी दीपा नारायण झा हमारे साथ, कैमरामैन मोहसिन के साथ विधि भद्रा, बीएनबी न्यूज़ चैनल।